साथियों, कांग्रेस के दामन में एक और दाग है और ये दाग ऐसा है उनकी 50 पीढ़ी आ जाएगी धुलने वाला नहीं है, साफ नहीं कर सकती। क्या पंजाब 1984 के दंगों को भूल सकता है? क्या हिंदुस्तान भूल सकता है 1984 में जो कुछ भी हुआ उसके लिए कौन जिम्मेदार है? साथियों, 3 दशक तक सिर्फ बहाने बनाकर, आयोग बनाकर दंगा पीड़ित मेरे सिख भाई बहनों के साथ अन्याय किया गया। उनके गांव पर कभी नमक छिटका तो कभी एसिड छिटकने का पाप किया। लेकिन अब कांग्रेस का चरित्र सामने आ गया है। कल कांग्रेस ने कह दिया है कि 1984 में सिख जो दंगा हुआ, सिखों का कत्लेआम हुआ, हजारों परिवारों को उजाड़ दिया, सिख भाई बहनों को जिंदा जला दिया, कल कांग्रेस ने कहा, क्या कहा? हुआ तो हुआ। क्या ऐसी कांग्रेस को माफ करेगा पंजाब? क्या ऐसी कांग्रेस पंजाब में रह सकती है? हुआ तो हुआ। न जाने कितने सिखों को टायर डाल डाल करके जला दिया गया, उनके परिवार को तबाह कर दिया गया, लेकिन कांग्रेस कह रही है हुआ तो हुआ। यही कांग्रेस का न्याय है, यही कांग्रेस के दिल में पड़ी हुई ये बातें हैं जो इतने दशकों के बाद गांधी परिवार के सबसे करीबी नेता टीवी के सामने, दुनिया के सामने बोला है, कल बोला है। भाइयों और बहनों, 2 दिन पहले दिल्ली में मेरी एक जनसभा थी चुनाव की, तो मैंने सभा की शुरुआत कैसे की? मैंने कहा, भाई देखिए, प्रधानमंत्री के नाते मेरा जाना आना रहता है, सिक्योरिटी के प्रॉब्लम रहते हैं, उसके कारण कभी कभी ट्रैफिक को रोक देते हैं, तो मेरे कारण दिल्ली वासियों को बहुत असुविधा होती है। तो मैंने कहा कि मैं सभा से पहले मेरे कारण जो आपकी असुविधा हुई है उसके लिए माफी मांगता हूं। ये मैंने दिल्ली में सभा वहीं से शुरू की, और मेरे सुरक्षा की व्यवस्था के कारण होता है, कोई महोत्सव के लिए नहीं होता है। लेकिन फिर भी आखिरकार मैं एक सामान्य इंसान हूं, मैं कोई सोने की चमक लेके पैदा नहीं हुआ हूं। मैंने सबके सामने सर झुका करके माफी मांगी कि 5 साल में मेरे कारण कईयों को असुविधा होगी। लेकिन ये कांग्रेस देखो, इनका अहंकार देखो, 84 के बाद अभी फांसी की सजाएं मैं करवा रहा हूं, जेल के अंदर जन्मटिप की सजाएं करवा रहा हूं, जेल में सड़ रहे हैं मारने वाले लोग, और कांग्रेस क्या कह रही है? इनका अहंकार देखिए, अहंकार 7वें आसमान पर पहुंचा है, और इतना बड़ा भयंकर नरसंहार, और ये कह रहे हैं हुआ तो हुआ। साथियों, कांग्रेस के लिए जो हुआ वो हुआ, ये हो चुका होगा, लेकिन इस चौकीदार के रहते इंसाफ तो पूरा होगा। 2014 में देश से और दुनिया के सिख समाज से मैंने वादा किया था, मैं अमृतसर आया था, वहीं मैंने वादा किया था कि सिखों के कातिलों को ये चौकीदार छोड़ेगा नहीं। सरकार में आते ही हमने
धूल फांक रही फाइलों को ढूंढ ढूंढ के निकाला। मुझे संतोष है कि जिनको बचाने के लिए नामदारों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था, उनको आज इस चौकीदार ने जेल पहुंचा दिया है।